क्या लगता है अपनी शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक स्टडी की बात है, यहाँ पर जो टीचर्स, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, टीचर्स बहुत अच्छे रहे और जो स्टडी है वो भी लेवल ठीक है यहाँ पर उस हिसाब से। लेकिन एक बात देखी जाए तो टीचर्स की, हाँ मैं मानता हूँ, कमी जरूर है जो कि धीरे धीरे पूरी हो रही है, यहाँ पर वर्क हो रहा है उस चीज पे भी। देहरादून में जो भी सरकारी हॉस्पिटल में जो भी सुविधा मिल रही है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे नए टिहरी के जो ये सरकारी हॉस्पिटल है, मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ अच्छी ढंग से सुविधा मिले। नहीं हो रहा, हो तो रहा है। हाँ, कहाँ कमी है? कमी बहुत जगह में, हॉस्पिटल में है कमी, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की परेशानी है, और गांव का पलायन देखो, पलायन किसने रोका? गांव तो पूरा पलायन हो गया, विकास किससे हुआ? गांव से जोड़ रहे हैं सब, जो गांव तो विकास पलायन हो रहा है, और बिल्डिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, पर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आज कोई भी गाँव से आती है, सभी रेफर देहरादून करे जाते हैं। देखो गरीब लोग कहाँ से जाएंगे देहरादून। जो भी विधायक अभी पहले थे वो टिहरी में नहीं रहते थे, इसलिए से उनके सुधार, एक दिन के लिए अगर मैं यहाँ रहता हूँ और एक महीने बाद मैं यहाँ करके देखता हूँ, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि इस शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे जो ये इस समय के विधायक हैं, वो हमारे साथ पहले पुरानी टिहरी से जुड़े रहे और यहीं पर रहते हैं वो हमेशा, तो उन्हें हम जनता से भी मिलने का टाइम मिलता है और लोगों की समस्याएं सुनने का टाइम मिलता है। पहले तो डॉक्टर की आपूर्ति पूरी, हमारे पास डॉक्टर है उत्तराखंड में पूरे डॉक्टर नहीं है, जो पहाड़ में चढ़ने को राजी। डॉक्टर से आना नहीं चाहते मैम? अभी इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि उन्हीं डॉक्टरों को लाइसेंस मुहैया कराया जाए जो अपनी सुविधाएं 5 साल में पहले पहाड़ में दें, उसके बाद वो फील्ड में जाएं। इस तरीके से उन्होंने जो सुविधाएं की है, ये एक कोशिश तो है हमारे क्षेत्र में। भले ही आपको पता है कि नई टिहरी शहर बढ़ता हुआ शहर है, अभी बहुत डेवलप होना बाकी है, अभी बसाया गया है तो डेवलप हो रहा है। पर्यटक आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल मैम, आते हैं। आप आज भी अगर आप जा सकते हैं तो कम से कम 150-200 पर्यटक पर डे आते हैं झील में। जब पूरे साल में अगर हम देखें तो आपको लगता है कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा आए, वो काम किया गया? बिल्कुल किया गया मैम। आप अभी कुछ टाइम पहले देखते हैं तो वहाँ पर एक वाटर स्पोर्ट्स आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत से प्रतिभाग किए गए थे, उसमें वाटर स्कूटर वगैरह जो भी थे उनसे बहुत। बुनियादी सुविधाएं होना बहुत जरूरी है यहाँ पर? बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, क्योंकि ये नया टिहरी शहर है और हमारे राज्य को बने हुए 16 साल हो गए। 16 सालों में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना चाहता है इस शहर के डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हो पाया अभी तक। और निश्चित रूप से ये स्टेडियम था, इसको तोड़ा गया फिर उसको बड़ा किया जा रहा है, तो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन बहुत जरूरी है। और कनेक्टिविटी न होने के कारण एक शहर इधर हो गया, एक शहर उधर हो गया, एक 3 भागों में बढ़ गया है शहर, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का। गांव-गांव में देख मंत्री जी ने रोड भी दिए, जिन लोगों को रोड की परेशानी थी वहां तक रोड पहुंची है, ठीक है, और विकास काफी हो रहा है। अभी नीचे आप कोटी कॉलोनी में देखिए, यानी कि आप काफी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं मंत्री जी से, और बहुत विकास किया है और यही आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैडम, पूरे उत्तराखंड के अंदर केवल ये नई टिहरी जो मुख्यालय है प्रदेश के अंदर, ये अन्य मुख्यालयों से हट करके है, ये विस्थापितों का शहर है और इस शहर वासियों के साथ केवल छलावा हुआ है। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि सीधे सीधे इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जब ये नया शहर, नया उत्तराखंड बना था, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे, 10 साल तक उनका कार्यकाल यहाँ रहा, जो बहुत ही निराशाजनक हुआ है। और आज जो काम हो रहा है इससे भी पब्लिक खुश नहीं है कि लोगों यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। पलायन होने के कारण से यहाँ जो जिन लोगों ने यहाँ रुकना था, व्यापार चौपट हो रखा है, व्यापार में कोई मतलब दिन पर दिन व्यापार में क्या किया जाए, व्यापार बता रहे हो, व्यापार में गिरावट आ रही है। उस व्यापार गिरावट होने के कारण क्या कि ये जो विकास होना चाहिए वो समुचित विकास होना चाहिए, चाहे नई टिहरी हो, चाहे बौराड़ी हो, चाहे कोटी कॉलोनी हो, चाहे भागीरथीपुरम हो, इनका विकास हर जगह होना चाहिए। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पर्यटकों को इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि भागकर लोग यहाँ आए और रुके। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में इस विधानसभा में दुनिया भर के कार्य हुए हैं। आप श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ले लीजिए, और आपका जो है यहाँ पर जो डिब्लू में जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है यहाँ पर, उल्टा जबकि यहाँ पर अपनी सरकार में चीजें काम कराने की दिक्कत आई है, तो किशोर उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में PI लेकर गए हैं और आज भी वो लड़ाई चल रही है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने तक ये निर्णय दिया है कि डोबरा चाटी पुल से लेकर घुंटी पुल से लेकर 1 साल के अंदर सरकार इन कामों को। आप डोबरा चाटी पुल की बात कर रहे हैं, डोबरा चाटी पुल की स्थिति मैं आपको बता देती हूँ, मैंने खुद जाकर के देखा है। टिहरी से जब आप दूसरे प्रेम प्रताप नगर जाते हैं तो आज भी एक जो रोपवे है उसका सहारा लिया जा रहा है। अगर 9 से 5 के बाद अगर वहां पर किसी को जाना है तो पूरा घूम करके आएगा। 2006 में वो पुल स्वीकृत हुआ था, अब तक नहीं बना अभी तक। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसको लेकर के बहुत तेजी के साथ काम हुआ? 2006 में पुल स्वीकृत हुआ, उसके तुरंत बाद चुनाव हुए और बीजेपी की गवर्नमेंट आई। हाँ। इन लोगों ने वहां पर इनके नेताओं ने आकर उद्घाटन किया पुल का। हाँ। उसके बाद फिर जस की तस स्थिति। और जो 10 साल तो आप रहे,
दस साल विधायक रहे, विधायक रहा, लेकिन सरकार जब बीजेपी की रही, यहाँ पर आप डोबरा चांटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कृषि विश्वविद्यालय दिया गया, यहाँ पर जब वानिकी कृषि विश्वविद्यालय दिया गया रानी चौरी में, और किशोर उपाध्याय जी के भूख हड़ताल के बाद दिया गया निशंक सरकार ने। यही पर रह करके रोजगार मिलेगा? हाँ जी मिल जाएगा, मिलेगा। कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो पूरी है, जब तक मंत्री जी के आशीर्वाद से विकास जैसे हो रहा है मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, इनको उम्मीद है इनको यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। आप क्या करती हैं? मैं पीजी कॉलेज से हूँ। अच्छा, मेरा नाम पूनम निगी। पूनम, सारी सुविधाएं मिल रही हैं? यस मैम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके की जरूरत है वहाँ पर जो अभी तक नहीं हो पाई है? मैम यहाँ पे प्लस शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे हो चुका है, बट फिर भी कुछ चीजों की कमी तो है। क्या कमी है? टीचर वगैरह की। टीचर्स की कमी है? वोकेशनल कोर्सेस होने चाहिए? यस मैम। अच्छा, आगे क्या बनने की उम्मीद है? आप क्या करना चाहते हैं? आगे पुलिस लाइन में जाना चाहती हूं। उसके लिए यहाँ पर चीजें हैं, सुविधाएं हैं? जैसे आप देख सकते हो यहाँ बहुत गंदगी भी है, हर जगह गंदगी है, और हॉस्पिटल को लेके आप देख लो अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ डॉक्टर ज्यादा वो बोल रहे हैं कि बस सही है, तुम जाओ दवाई ले लो, बाहर से ले लो। स्वास्थ्य सुविधाएं सही होनी चाहिए? आप? यस मैम, स्वास्थ्य सुविधाएं सही होनी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी काम विकास होना बाकी है, और खेल प्रतिभाओं को भी मौका मिलना चाहिए, एक मौका नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है इधर, और शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। कूड़ा फैला रहता है अच्छे से यहाँ पे, मतलब नगर पालिका वो नहीं कर रही है, मतलब सफाई नहीं कर रही है, इसलिए इसमें ज्यादा विचार करना चाहिए, और स्वास्थ्य के लेकर भी हॉस्पिटल में नए डॉक्टर्स को लाना चाहिए। आपको लगता है व्यापार के लिहाज से आपकी मुनाफे हो रहे हैं, पर्यटक आते हैं, या कुछ किया जाना बाकी है? अभी तो कम है, क्या होना चाहिए? थोड़ा संभावनाएं बढ़नी चाहिए इसकी व्यापार के लिए। किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को काम में? काम में तो मैम काफी दिक्कत आती है यहाँ पर। जैसे क्या? जैसे कि कस्टमर्स कम होते हैं। पहले होते थे? नहीं, पहले भी नहीं होते थे, अब थोड़ा बड़ा है। जब से ये सब चीजें, जो नई चीजें शुरू की गई हैं, इसका असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अब किस तरह का मुनाफा होता है? थोड़ा ज्यादा होता है पहले से प्रॉफिट। और क्या चाहते हैं आपकी नई टीरी में क्या हो जाए? और नई टीरी में थोड़ा पर्यटन को बढ़ावा मिले और ज्यादा। थोड़ा हॉस्पिटल की सुध ले मंत्री जी, बाकी तो तरक्की बहुत कर रहा है हमारा पूरा क्षेत्र। बस उनसे एक ही हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे आए। स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर एक बार मैं फिर से पीडीएफ का ही रुख कर लेती हूँ। अभी आपने यहाँ पे लोगों की बातचीत सुनी होगी, कह रहे हैं वो कि स्वास्थ्य के लिहाज से तो हमारे पास कुछ नहीं है, कि नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, वक्त पर इलाज नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई है, ये सब कहा जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पहला कदम है माननीय मंत्री जी का, कि आप देख रहे होंगे बीएससी नर्सिंग कॉलेज, और ये जो 40 बेड का हॉस्पिटल था इसको 100 बेड का करने का जो काम किया माननीय मंत्री जी ने, ये उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक वरदान इस क्षेत्र के लिए होगा। ये क्या जा रहा है कि 100 बेड तो आप अस्पतालों दे देंगे जब डॉक्टर ही यहाँ पर नहीं आएंगे? आज की डेट में कौन केवल यहाँ पे जो सर्जन है, मैं अपने बच्चों को अगर मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, आप बता दीजिए जितने हमारे पहाड़ों के डॉक्टर हैं, क्या वो पहाड़ में काम करने के लिए तैयार हैं क्या? जब से माननीय पर्यटन मंत्री जी चिकित्सा जब से उनके पास चिकित्सा शिक्षा का विभाग आया है, उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे एमबीबीएस के कोर्स करवाया जाएगा जो यहाँ पे करेंगे, नहीं तो उनकी डिग्रियां निरस्त की जाएंगी। आपने सुना होगा बीच में एक पहल चली थी उनकी तरफ से, आज हो क्या रहा है, मैं अपने लड़के को डॉक्टर तो बना रहा हूँ लेकिन क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर उसको बाहर प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ, पहाड़ों में आने के लिए कोई तैयार नहीं। जब तक कोई ऐसी गाइडलाइन डॉक्टरों पे भी नहीं की जाएगी, क्योंकि सारे डॉक्टर हैं, आज आप देख लीजिए यहाँ पे सर्जन, पहाड़ों पर सुविधाओं की कमी हो जाती है, सारी सुविधाएं हमारे नई टेहरी शहर में आप देख रहे हैं माननीय मंत्री जी, व्यापारियों की तरफ से अभी जो आप देख रहे हैं रोप वे कोटी कॉलोनी से जो टूरिस्ट कोटी कॉलोनी में रुक कर रहे हैं, आज वहाँ पे लगभग 40 बोट वहाँ पे जो चल रही है, और वहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा उसके लिए वो चिंतित है कि ये नई टेहरी का विकास कैसे होगा, यहाँ का व्यापार कैसे बढ़ेगा। बीजेपी के भी संभावित उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, धन सिंह नेगी जी। धन सिंह नेगी जी, आपने भी लोगों की बात सुनी होगी, और पीडीएफ खुद कह रहे हैं कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हमने तो विकास के हर पैमाने को छूने की कोशिश की है। जिला अस्पताल नई टिहरी में है, जिला अस्पताल में एक भी पदार्थ जो है डॉक्टरों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, फीस यहाँ नहीं है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस जनपद की विधानसभा के विधायक है,
और हॉस्पिटल की जो हालत है वो सब देख रहे हैं। ये केवल रेफर सेंटर है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि 5 साल पूर्व जो चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसमें नेटरी का हॉस्पिटल भी मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। नर्सिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में प्रारंभ किया था, वहाँ की स्थिति जो आज जिसको बखान किया जा रहा है वो 21 करोड़ की बिल्डिंग का आज उद्घाटन हो रहा है, 294 जो है नर्सिंग और एएनएम के पदों का सृजन होना था। भारत सरकार साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो काम किए गए हैं पहले, मतलब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ कामों को यहाँ पर शुरू किया था, अब उसका क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है यहाँ के विधायक और मंत्रियों की तरफ से। फिलहाल टिहरी के लोग जो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया रखते हैं, कुछ लोगों के लिहाज से टिहरी बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ लोगों के लिहाज से बहुत काम ऐसे हैं जो किए जाने बाकी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, चूंकि एक नई टिहरी को जिस तरह से विकास किया गया, सुनियोजित तरीके से इसको बनाया गया, पर्यटन के लिहाज से बहुत सारी संभावनाएं हैं। और यहाँ के व्यापारी वर्ग का भी कहना है कि अगर पर्यटकों की आमद ज्यादा होगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, तो शायद नए आयाम कुछ होगा नई टिहरी। तो चौपाल में आज हमने नई टिहरी के लोगों की राय जानी है, वो किस तरीके से चुनावी मुद्दों को देखते हैं, चुनाव के लिहाज से उनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये हमने आज जाना है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।